अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मोटो टूरिंग। तो गाइज़ आज मेरे पास एक बाइक आया है जिसकी हमने चलनी है ब्रेक शू पिछले चेंज। तो मेरे पास दो ब्रेक शू हैं, ये है ओरिजिनल यामा का जो कि है 710 रुपीज़ का, ये है ब्रेक शू ओरिजिनल यामा की तरफ से सील पैक है। और दूसरा हमारे पास है लोकल चाइना का जो अच्छी क्वालिटी में है, ISH कंपनी में है, और इसकी प्राइस है 500 से 550 के दरमियान। तो हम इस दोनों ब्रेक शू का कंपैरिजन भी लेके आएंगे और दोनों के ब्रेक शू को इस्तेमाल करके भी बताएंगे। तो फर्स्ट जो आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो यामाहा का ब्रेक शू है। तो अब इसकी हम अनबॉक्स करते हैं और आपको इसका और इसका अंदर की क्वालिटी चेक करा देते हैं कि यामाहा की क्वालिटी कैसी है। तो इसको जो है काटने के लिए जो है मैं ज़रा की का इस्तेमाल करूँगा, मेरे पास अभी इस टाइम कोई नाइफ वगैरह नहीं है। तो ये हो गया है ब्रेक शू का ओपन और ये है यामाहा की तरफ से ब्रेक शू। पैकिंग आप देख सकते हैं गाइस, क्वालिटी बहुत अच्छी है यामाहा की। और ये स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग है जिसमें इनकी पोजीशन, अगर आप जिस टाइम ब्रेक शू डालेंगे तो पोजीशन इसकी ये होगी, एक स्प्रिंग जो है इस तरीके से दोनों का मुंह बैक साइड पे होगा और यहाँ पे सिलेंडर फिक्स होता है, दूसरी तरफ जो है ये ब्रेक शू के बीच में आएगा। और इसकी जो पोजीशन है स्प्रिंग की आप देख सकते हैं, तो ये कंपनी की तरफ से इसी तरह ही आएगा, हमने जस्ट इसको फिक्स करना है। तो ये यामाहा की क्वालिटी है और 710 रुपीज़ की ये ब्रेक शू हैं लोकल, तो ये आप चेक कर सकते हैं इसकी क्वालिटी। तो अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ISH की क्वालिटी, ISH की क्वालिटी। अब मेरे पास है ये 500 वाले ब्रेक शू जो कि ISH की है, तो इसकी आपको मैं क्वालिटी दिखा सकता हूँ। ये गाइस आप देख सकते हैं, इवन कि ये भी यामाहा YBR का ही ब्रेक शू है और इसका लेदर आप देख सकते हैं बड़ा है निस्बतन ये वाला यामाहा की तरफ से जो आ रहा है। तो ये दो ब्रेक शू हैं, ये है ISH का ब्रेक शू और ये है यामाहा का ओरिजिनल। इसकी प्राइस है 500 और इसकी है 710। तो आप देख सकते हैं लेदर दोनों का अच्छा लेदर है और साइज़ में देख सकते हैं कि ISH का जो लेदर है वो थोड़ा बड़ा है, जिस तरह कि पहला यामाहा का ब्रेक शू आता था जो कि 2400 रुपीज़ का होता था, उसका भी लेदर इसी तरह बड़ा है। तो अब आपको जो है इनमें से हम ये वाला ब्रेक शू आपको डाल के दिखाएंगे, बाद में इसका जो ऑनर रिव्यू है ये इस्तेमाल करने के बाद कितने हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज हुआ ये भी आपके लिए रिव्यू बहुत जल्द लाएंगे और कस्टमर से भी आपसे जो लगवा रहे हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। ओके गाइज, अब हम ब्रेक शू डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 17 नंबर का पाना लगता है यहाँ से इसको होल्ड करने के लिए, दूसरी साइड पे जो चाबी है वो 19 चाबी से होगी। तो यहाँ से हम इसको होल्ड करेंगे और यहाँ से नट खोलेंगे। तो आपको अभी मैं दूसरी साइड का जगह दिखाता हूँ, दूसरी तरफ की ये चाबी है जो कि 19 नंबर की लगती है। तो अब ये जो है मैं इसका जो है रिम नट खोलने जा रहा हूँ। ये अब नेट ढीला हो चुका है, तो नेट ढीला करने के बाद आपको जो है इस ये ब्रेक शू खोलना होगा। ढीला करने के बाद जो है हमें यहाँ से इस नट को खोलना है। तो ब्रेक शू काफ़ी ख़त्म हो चुका है तो चाबी इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, अब जो है चाबी लग जाएगी। नेट की आप पोजीशन देख सकते हैं, हमने नेट की पोजीशन वापसी में इसी तरह ही नेट लगाना होगा। ये नेट घूमना चाहिए इसलिए इसको आप वापस इस तरह लगा दें स्टार्ट। तो गाइस ये है 14 नंबर का पाना जिससे हमें ये नेट खोलना है, ये ब्रेक शू का नेट है, इसी की वजह इसको खोल दिया।
ये इसको इसके ऊपर लगा के रख देना ताकि गुम ना हो। तो अब जो है हम ढीला करेंगे इसको, जो है मेन जो बाहर है इसका नेट वो खींचना उस तरफ से। गाइस ज्यादा ना खींचना कि रिम नीचे गिर जाए, उसके हिसाब से खींचना है। अब ये ब्रेक शू लगाने जा रहे हैं। ऊपर से इसकी चोट लगाइए ताकि ब्रेक शू बैठ जाए। अभी ब्रेक शू बैठ चुके हैं, अब हम इसको वापस अंदर फिक्स करेंगे। तो जब ब्रेक आपने ब्रेक शू लगाना है तो आपने ये पोजीशन रखनी है इसकी ड्रम की, इसकी जो ये साइड है आगे की तरफ ना हो पीछे की तरफ हो, और इस पोजीशन में अब ये लग जाएगा ब्रेक शू। ये अब फिक्स हो गया। अब ओ ये
out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made yours. Didn't know what my heart be needed, skipping out and know I can't keep score. When I lose my breath, boy, you got me breathing. Oh, every little thing you do, every time you hold me, take me higher.